हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रॉम लास्ट रिहैबिलिटेशन। दोस्तों, हमारा एक भैया दोस्त है, उसका नाम है विवेक और ही लिव्स इन ही इज करेंटली लिविंग इन गुजरात, वर्किंग होटल इंडस्ट्री। तो आज उसका रिकवरी बर्थडे था, तो ही सेंड सम मनी फॉर अस, खाना वाना खिलाने के लिए बच्चों के लिए। तो ये एक नशा मुक्ति का केंद्र है, लास्ट रिहैबिलिटेशन देहरादून में, जहाँ पे जो कोई भी शराब और नशे से ज्यादा पीड़ित हो उन लोगों को रखा जाता है। यहाँ पे तो 4 महीने का ट्रीटमेंट ऑफर करते हम लोग। तो ऐसे ही हमारा एक बच्चा था जो ठीक होकर रह रहा है आज। तो उसने कहा था कि भाई, जब मेरे को 1 साल कंप्लीट हो गया तो वो तो यहाँ पे आ नहीं सकता अभी। अब देखिए, मेन जो ये रिकवरी बर्थडे से रिलेटेड वीडियो आप हमारे कई सारे देख सकते हैं, यहाँ पे होता रहता है इस तरीके का सेलिब्रेशन। अब देखिए, प्याज आया हुआ आज मंडी से, ये थोड़ा सस्ता वाला प्याज दिया उसने। तो यहाँ पे तो ज्यादा वॉल्यूम में खाना बनना है, इसलिए थोड़ा सस्ता प्याज लेके आए। अब देखो फ्रेंड्स, छोटी छोटी एक्टिविटीज करानी पड़ती है बच्चों से। इसका नाम नहीं दिखाऊंगा ना इसका फेस दिखाऊंगा, लेकिन ये लड़का है भाई। अपना नाम वैसे ही बता दे, जावेद है। हाँ, जावेद है। और जावेद काफी टाइम से रह रहा है यहाँ पे। अभी ये काम करके कैसा लग रहा है भाई तेरे को? बहुत अच्छा। तुम बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेमनगर मिट्टीवेरी में मेरा घर है। चलो है, कोई बात नहीं, घर आपका जहाँ भी है। आप सिर्फ एक फीलिंग बताओ जस्ट कि यार, अगर आप खाली बैठे हुए हो तो कैसा महसूस हो रहा है और आप काम करेंगे कैसा लग रहा है? खाली बैठ के मेरे को बहुत अजीब लगता था, मगर अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि छूटने के बाद भी यहाँ पर आगे मैं काम करूँ। चलो ठीक है। बाकी ये दूसरा लड़का है, इसे भी काम पे लगा रखा है। कुछ नहीं है काम सिर्फ ये की सूजी भूननी है, भून रहा है। क्योंकि आप तो किचन स्टाफ है बेचारा, सुबह से काम में लगा हुआ, अब रात को फिर से स्पेशल फूडिंग बन रही है। छोले बन रहे हैं, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में छोले बनाना, प्याज टमाटर काटना, तो अब बच्चों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जो बच्चा बताएगा, अभी छोटू कैसा लग रहा है तेरे को काम करके? अच्छा लग रहा है। हाथ थक गए? नहीं, हाथ तो थक रहे हैं पर सूजी जल नहीं नीचे। थक रहे ना? हाँ जी। आप ऐसी उनकी थकते बेटा जो दिन भर काम करते रहते हैं, ठीक है जी भाई जी। ये होता है यार, ऐसे करके धीरे 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 ट्रेंड होते जाते हैं बच्चे। अभी एक छोटा लड़का है, इसने भी अभी ये धनिया वनिया काटा हुआ, चीनी चानी लाया। तुम बताओ भाई, तुम्हें कैसा लग रहा है काम करके? काम करके बहुत बढ़िया लग रहा है। हम यहाँ पे सुबह से काम करते रहते हैं। हाँ। और काम करके हमें अच्छा भी लगता है और कुछ सीखते भी हैं। तुम तो अभी आए ना बाहर काम करने? जी भाई। कितने दिन हो गए? दो दिन में क्या एक्सपीरियंस है काम करने के बाद? दो दिन में मतलब मैंने सब्जी बनानी सीख ली, चावल में पानी वगैरह कितना डालना है सीखा, और दलिया वगैरह। किचन का कुक भी तुम्हारे साथ है ना? जी, वो सिखाता रहता है जी। लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी क्या ऑब्जर्व करा आपने दो दिन में कि यार, काम करने से क्या लग रहा है आपको? काम करने से काफी अच्छा लग रहा है। वैसे बैठे बैठे अजीब अजीब से थॉट चलते थे, कभी कुछ चलता था, पर अब एक जगह जब काम में मन लगा रहता है तो काम करके भी अच्छा लगता है। कुछ मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात जो होती है दोस्त काम करने से, वो आता है हमारे अंदर हमारा खोया हुआ आत्मविश्वास। क्या आता है? खोया हुआ आत्मविश्वास कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ। और सेकंड चीज, एक और सीख लो काम की बात, हमारे जो अल्कोहलिक एनोनिमस जो प्रोग्राम है जो हम सीखते हैं, उसके अंदर ट्रेडिशन वो है, क्या बोलते हैं उसका, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल प्रस्तावना पढ़ी जाती है शुरू में और लास्ट में पढ़े जाते हैं प्रोमिसेस। ठीक है, प्रोमिसेस जो है वाइडे जिनको बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है, अगर हम अपने विकास की इस अवस्था में थोड़े भी मेहनत ही रहे, आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे। यह हमारा भी विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। हाँ। तो इस विकास के दौरान अगर हम मेहनत करेंगे हर एरिया में, समझो जी भाई, तो आधा डिस्टेंस करने पे ही हम सरप्राइज हो जाएंगे कि हमारी लाइफ कहां से कहां आ गई, कितने चेंजेस आ गए लाइफ में, समझ रहे हो, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो प्रोमिसेस में लिखा, कहाँ लिखा? प्रोमिसेस, वायदे में, कि भाई अगर हम अपने विकास की इस अवस्था में अगर हम मेहनती रहेंगे तो आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे और अपने मित्रों के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाएगी, स्वार्थी कार्यों में रुचि घट जाएगी। हम अपने अंतर्ज्ञान के सहारे ये जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमको बाधा पहुंचा रही थी उनका सामना कैसे किया जाए। क्या ये वायदे दिखावटी या झूठे हैं, हम ऐसा नहीं समझते। इनकी पूर्ति हमारे ही द्वारा कभी जल्दी या कभी देर से की जाती रही है। यदि हम इनके कुछ काम करेंगे तो ये अवश्य ही पूरी होंगी। इस प्रॉमिसेस का जो मतलब है कि भाई, जब एक जो एल्कोहलिक्स एडिक्स है, जो अपनी लाइफ में शराब और नशे से पीड़ित रहा इतने सालों तक, बीमारी उसके माइंड में थी, एटीट्यूड में थी, अब जब वो रिकवरी में आ गया है
तो रिकवरी में आने के बाद अब उसने क्या करना है कि जब वो अपने जैसे लोगों की जो हेल्प करना जो सबसे बड़ा मेन काम है हमारा, ये हेल्प ही कर रहे हैं, दे आर डूइंग इनडायरेक्टली हेल्प, क्योंकि भाई अंदर बाकी बच्चे उनका खाना वाना तो बना ही रहे ना, वो एक कुक है उसके साथ चार बच्चे तीन बच्चे लगे हुए क्योंकि स्पेशल फूडिंग है, तो वो तो इनडायरेक्टली हेल्प ही कर रहे हैं। तो सेवा कार्य से ही सबसे बड़े पुरस्कार मिल सकते हैं हमें। इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि जब हम सेवा कार्य करते हैं तो हमें जो है बड़े पुरस्कार प्राप्त होते हैं। अब उस बेचारे ने वहां गुजरात से पैसे भेजे तो उसको क्या पड़ी हुई आज, वो तो हमें जानता नहीं पहचानता नहीं, आज उसने उतनी दूर से हमें पैसे भेजे, उसको कहीं ना कहीं एक इनर सेटिस्फेक्शन आया उसके मन में पैसा देने के बाद, क्योंकि उसे लगा भाई मैंने अपना सेवा का कार्य करा। अब उसको क्या क्या महसूस होगा सेवा करने के बाद, सेवा करने के बाद अब उसके दिमाग में एक संतुष्टि की भावना आएगी। और वी ऑल आर, तो हम पूरी जिंदगी दौड़ते भागते रहते हैं, इन सारी चीजों का निचोड़ यही है कि वी आर वांटिंग सेटिस्फेक्शन इन अवर लाइफ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम लास्ट रिहैबिलिटेशन, हैप्पी बर्थडे विवेक, बाय बाय।